नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आगरा से, चांदी व्यापारी की बीजेपी कार्यकर्ता ने हत्या कर दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गोली मारने के बाद सिर काटकर धड़ से अलग किया। गांव और सेना के जंगल में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से धड़ को बरामद किया। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का पूरा मामला इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो आगरा से खबर, जहां चांदी व्यापारी की बीजेपी कार्यकर्ता ने हत्या कर दी। आपको बता दें, गोली मारने के बाद सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। आपको बता दें, गांव और सेना के जंगलों में इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से धड़ को बरामद किया है। तो आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो चांदी व्यापारी की बीजेपी कार्यकर्ता ने हत्या कर दी। आपको बता दें, इस निर्मम हत्या के पीछे गोली मारने के बाद सिर काटकर धड़ से अलग किया गया। आपको बता दें, गांव और सेना के जंगल में इस वारदात को इसने अंजाम दी। तो पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार से धड़ को बरामद भी कर लिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दोस्त ने आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो चांदी व्यापारी की हत्या का ये मामला सामने आया, जहां बीजेपी कार्यकर्ता ने इसकी हत्या की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे। तो गोली मारने के बाद सिर काटकर धड़ से अलग किया। मनोज चहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया, कारण क्या है? थाना सिकंदरा क्षेत्र के अड़सेना जंगलों का ये पूरा मामला है। या दो दोस्त थे और ये लगातार पहले से दोस्त थे, और ये जो चांदी व्यापारी है जिसकी टिंकू वर्मा नामक युवक ने हत्या कर दी। पहले इसको शाम को बुलाया जाता है, शाम को बुलाकर दारू पार्टी होती है। दारू पार्टी के बाद जब इसको पहले गोली मार के हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये सुबह तड़के 3:30-4 बजे के आसपास की ये घटना है। जब पुलिस गश्ती करती है तो वो जंगलों में एक गाड़ी खड़ी देखती है, और गाड़ी खड़ी होने के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस भी एकदम अचानक भौचक्के हो जाती है कि जिस तरीके से उनका जो धड़ था, वो मृतक का धड़ वो गाड़ी में रखा हुआ था। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनका एक प्री प्लान था कि पहले उसको फोन करके शाम को बुलाया गया, और उसके बाद उसको फिर शराब पिलाई गई, और शराब पिलाने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी, और जघन्य ये हत्याकांड हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो नवीन था और जो मृतक था वो टिंकू का दोस्त था, और टिंकू के साथ एक और जो उसका दोस्त था वो भी मौके पर था। दो लोग वहां मौके पर थे, एक लोग फरार होने में कामयाब हुआ, दूसरा उसकी जो जो बिना सर की जो लाश थी उसको ठिकाने लगाने की वो कोशिश कर रहे थे, और सर को कहीं और फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और पुलिस की गश्ती के कारण ये पूरा मामला सामने आया। मौके से भाजपा नेता जो अनुसंधान संगठन से जुड़ा हुआ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। तो वहीं पुलिस लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, और आरोप ये लगाया है कि जो परिजन, जो मृतक के परिजन है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनके अमित जो टिंकू है उसका पहले फोन आता है शाम को, उसके बाद जाता है। जब उनके जो मृतक के जो परिजन है वो उनको फोन करते हैं तो उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, और रात देर रात नहीं आने पर जब टिंकू को फोन किया जाता है तो टिंकू का भी फोन बंद जाता है। तो कहीं ना कहीं परिजनों में इस जघन्य हत्याकांड के लेकर हाहाकार मचा हुआ, और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और निश्चित तौर पर कोई मतलब उन्होंने आरोप ये सीधे लगाया है कि जिस तरीके से उसको बुलाया गया उसके बाद ये निर्मम हत्या की गई, तो कहीं ना कहीं इसमें वो दोषी है। इसकी पूरे पहलू की जांच पुलिस पड़ताल कर रही है कि किस कारण इसकी हत्या की गई, क्योंकि जो नवीन जो मृतक है उसकी चांदी कारोबारी था, उसका चांदी का काम था, लोहा मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तो कहीं ना कहीं ये आपसी लेनदेन तो नहीं है या कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है, उसको हर पहलू को पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे का क्या मामला है। जी मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि इनके साथ और भी उनके दोस्त मौजूद थे, क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो गश्ती पे है, पुलिस का कहना है कि वहां दो लोग खड़े थे, और दो लोग के साथ जैसे ही पुलिस को आते देखा तो एक लोग वहां से आज चला गया, और जो टिंकू वर्मा नामक जो उसका मित्र था मृतक का, तो वो गाड़ी पर ही था, और गाड़ी पर जब देखा गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से पूछताछ जारी कर रही है पुलिस लगातार, और उसके हर पहलू को जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है वहां, सबके जो निशानदेही या जो चिन्ह है उनको लिया जा रहा है। फॉरेंसिक के साथ साथ तमाम
डॉग स्क्वाड भी पहुंचा है, तो वहां जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। जिस तरीके से जिस जघन्य अपराध हुआ उसको हर तरीके से खुलासे के लिए पुलिस तैयार है, और निश्चित पूछताछ करने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि वो दोषी जो कौन था और वो कहाँ क्या करता था। क्योंकि इसमें यह भी सामने आया कि जब इसको जो मृतक है उसको बुलाया गया शाम को, तो वो अब जो टिंकू जो आरोपी है वो अपने दोस्त की गाड़ी लेकर गया, उसकी नंबर प्लेट भी उन्होंने चेंज कर दी थी, जिससे कि अगर सीसीटीवी फुटेज में भी चेक किया जाए तो गाड़ी तो दिखाई दे लेकिन नंबर प्लेट अलग होने के साथ वो पकड़ में नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक प्रीप्लांड मर्डर था और जघन्य अपराध था, तो उसको लेकर पुलिस हर पहलू तक जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है कि उसके साथ कितने लोग थे, कितने लोग उस हत्याकांड में शामिल है। क्योंकि जिस तरीके का जो हत्याकांड हुआ, जघन्य अपराध, पहले गोली मारी गई उसके बाद उसका जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया गया, तो निश्चित तौर पर एक निर्मम हत्या है। और उसमें शायद ये लगता है कि जो टिंकू वर्मा जो भाजपा नेता बताया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अकेले इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता, उसके साथ और भी साथी हैं, उसके हर पहलू को पुलिस जांच कर रही है। जी मनोज, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बताया कि जंगलों में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या जो धड़ है वो भी वहीं से बरामद हुआ या इस पूरी बॉडी को वो लोग कहीं और ले जा रहे थे? देखिए, धड़ बिल्कुल अलग था, बॉडी को वो जलाना चाहते थे और धड़ को कहीं और फेंकना चाहते थे, जिससे कि वो उसकी पहचान नहीं हो पाए। अब जैसे ही वहाँ पुलिस की जो गश्ती टीम है वो पहुंचती है, वो पुलिस गश्ती टीम जंगलों में जब गाड़ी खड़ी देखती है तो उनको शक होता है, शक होने पर जांच पड़ताल की जाती है। जांच में देखा जाता है कि पीछे वाली सीट पर उनका जो मृतक है उसका धड़ रखा हुआ था, और जो टिंकू नामक जो युवक था वो वहां मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अपने इस जघन्य अपराध को छुपाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा था, ये किस कारण किया जा रहा था, क्या उनके दिमाग में चल रहा था, इसकी लिए पुलिस छानबीन कर रही है, पड़ताल कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो उस शव जो मृतक के शव को कहीं ना कहीं ठिकाने की लगाने की कोशिश है, जिससे कि वो पकड़ में नहीं आए। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के रहने सार ये जघन्य अपराध को सामने लाया गया और जो आरोपी है उसको मौके से पकड़ा गया है। जी मनोज, क्या फॉरेंसिक टीम ये अभी तक बता पाई है कि जो हत्या है वो कितने देर पहले हुई? देखिए, ये सुबह तड़के का मामला है, इतना जल्दी नहीं है, और लगातार पुलिस अपनी छानबीन में लग गई है, फॉरेंसिक टीम भी है, डॉग स्क्वाड भी है, लगातार अपनी छानबीन में जुटी हुई है। जैसे ही कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं तो पुलिस उसको ब्रीफ करेगी और निश्चित तौर पर इस बड़े जघन हत्याकांड में जो और भी जो आरोपी शामिल होंगे उनको भी पकड़ने की पुलिस बात कह रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जघन अपराध हुआ उसको लेकर पुलिस पूरी मुस्तैद है, पूरी हर बारीकी से फॉरेंसिक टीम हो या डॉग स्क्वाड हो या पुलिस थाना पुलिस हो या पुलिस के आला अफसरान हो, वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस पर जो दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां देर रात अपने घर वापस लौट रहे अध्यापक को बदमाशों ने रास्ते में पकड़ लिया और उनके द्वारा रिटायरमेंट के बाद संचालित प्राइवेट स्कूल को बंद करने की धमकी दी गई। धमकी के बाद से ही अध्यापक दहशत में था। बदमाशों की दहशत के चलते अध्यापक को रास्ते में चलते चलते ब्रेन हैमरेज हो गया और बदमाशों की धमकी के बाद उसकी मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अलीगढ़ से ये खबर, जहां पांच पंचों की पंचायत में दी गई अध्यापक को धमकी, तो रास्ते में कनपट्टी पर तमंचा लगाकर इनको धमकी दी गई, जिसके बाद डर के मारे उनको ब्रेन हैमरेज हो गया और बाद में उनकी मौत भी हो गई। तो दहशत के चलते अध्यापक को रास्ते में ही ब्रेन हैमरेज हो गया, स्कूल बंद करने को लेकर यह धमकी दी गई थी। इस वक्त की बड़ी जानकारी अलीगढ़ से, बदमाशों की दहशत से अध्यापक की मौत हुई। मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मोहित, आपसे जानना चाहूंगी, अलीगढ़ से एक खबर आ रही है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताएं। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर जो अध्यापक हैं जो कि सेवानिवृत्त हो चुके यानी कि रिटायर हो चुके थे, इसके बाद इन्होंने एक अपना प्राइवेट स्कूल थाना टप्पल में ही डाल लिया था। उसके बाद में पांच पंचों के द्वारा इनको एक फरमान सुनाया गया कि आप अपना जो है प्राइवेट स्कूल बंद कर लें, लेकिन जब उनका प्राइवेट स्कूल अपना बंद नहीं किया, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे थे, तभी जब वो अपने स्कूल से घर के लिए जब वापस लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें बदमाशों ने घेर लिया और बदमाशों ने घेरने के बाद उनके तमंचे पर जो है कट्टा तान दिया। कट्टा तानने के बाद जो अध्यापक है वो सदमे में आ गए, सदमे में आने के बाद में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वाले लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पिताजी को पहले से लगातार धमकी दी जा रही थी, जब मेरे पापा निवृत्त हो गए, सेवानिवृत्त होने के बाद में जब उन्होंने अपना स्कूल प्राइवेट स्कूल खोला, स्कूल काफी अच्छा खासा चला था, बच्चों के लिए हम पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ के ही जो कुछ लोग हैं यहाँ पर उनके पांच पंचों पर भी आरोप लगाया गया कि पांच पंचों ने उन्हें स्कूल बंद करने का भी फरमान सुनाया था। इसके बावजूद अगर वो लोग नहीं माने तो उन्होंने रास्ते में बदमाश लगा दी और बदमाश लगाने के बाद उनके जो दिमाग पर कट्टा रख दिया, कट्टा रखने के बाद उनके पिता सदमे में आ गए और हादसे सदमे में आने के बाद उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। हालांकि देखिए, पीड़ित परिवार की वो की बात करें तो पीड़ित परिवार ने फिलहाल तहरीर दे दी है, लेकिन अभी तक पुलिस कार्रवाई की बात करें
तो पुलिस कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई, यानी कि जो बदमाश थे जिन्होंने कट्टा ताना था वो अभी तक फिलहाल है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जरूर भेज दिया। अब देखने वाली बातें हर गई यही होगी कि आखिर जो जो सेवानिवृत्त टीचर को न्याय कब मिल पाता है, और जो बदमाश जो कट्टा तान रहे थे सेवानिवृत्त टीचर को, उनको वो आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। चलिए रोहित, तमाम अयोध्या से खबर है जहां सोने के गहनों की बड़ी टप्पेबाजी सामने आई। जीएसटी चोरी की आहट के बीच उलझी पुलिस, जेवरात व्यवसायी के साथ ये वारदात हुई। सराफा व्यापारी विभाग को लगा रहे लाखों की चंपत, तो पंजाब के ही युवकों ने दो दिन पूर्व की टप्पेबाजी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पुलिस कर सकती है टप्पेबाजी और जीएसटी चोरी का बड़ा खुलासा। अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी जानकारी अयोध्या से दे रहे हैं, जहां जीएसटी चोरी की आहट के बीच उलझी हुई है पुलिस। तो सीसीटीवी में ये पूरा मामला कैद हुआ, जेवरात व्यवसायी के साथ ये पूरी वारदात हुई। तो ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, सोने के गहनों की बड़े टप्पेबाजी। तो जीएसटी चोरी के आहट के बीच पुलिस उलझी हुई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। जेवरात व्यवसायी के साथ ये वारदात हुई जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, इस वक्त की बड़ी जानकारी। सराफा व्यापारी विभाग को लगा रखे है लाखों की चंपत, तो पंजाब के ही युवकों ने दो दिन पूर्व की थी टप्पेबाजी, इस वक्त की बड़ी जानकारी अयोध्या से। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं।